खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर पंजगोर से हमारी गिदरोशिया पॉइंट के नुमाइंदा फरीद उमर से। पहला आल मकरान मरहूम कैप्टन मोहम्मद हनीफ मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट पंजगोर। बतावुन सूबाई वजीर ज़राअत और इमदाद बाहमी उमूर बलोचिस्तान मीर असदुल्ला बलोच, ज़ेरे निगरानी यंग गुलजार क्लब वशपोत पंजगोर और वजीर सरपरस्ती DFA पंजगोर। आज का फाइनल मैच मेजबान टीम मरहूम कैप्टन मोहम्मद हनीफ मेमोरियल पंजगोर बामुकाबला यंग बलोच क्लब आपसर तुर्बत के दरमियान खेला गया। फाइनल मैच के मेहमान खास BNP आवामी के जिले ऑर्गेनाइजर जनाब रहमदिल बलोच थे, जबकि BNP आवामी के मरकजी लेबर सेक्रेटरी नूर अहमद, BNP आवामी के सीनियर रहनुमा जमान बलोच, सुलेमान सदुजई, हाजी मुनीर अहमद, हाजी अब्दुल वाहिद मेहमान खास के हमरा थे। स्टेज पर DFA के सदर अब्दुल कयूम बलोच, पजीर अहमद, सूफी रसूल बख्श, लाला फखरुद्दीन, लाला मोहम्मद जान, खालिद बलोच, कामरेड मुजीब, कादिर दाद, जफर महमूद रईस, दाद मोहम्मद, जुमा खान, साबिर तुफैल, वाहिद तुफैल, जाकिर और दीगर तशरीफ फरमा थे। मेहमान खास ने टूर्नामेंट कमेटी के लिए 1,00,000 रुपए नकद देने का ऐलान किया। इस टूर्नामेंट में डिस्ट्रिक्ट पंजगोर समेत तुर्बत, वाशुक, खारान और दालबंदीन से कुल 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। टूर्नामेंट के फाइनल मैच मेजबान टीम कैप्टन मोहम्मद हनीफ मेमोरियल पंजगोर ने 0 के मुकाबले में 1 गोल से जीत कर टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल के शानदार मैच में ग्राउंड पर शायकीन स्पोर्ट्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। आज के फाइनल मैच के ऑफिशियल्स इब्राहिम अरमान, अमीनुल्ला अंजुम, इकबाल मुजाहिद और नादिर सबाई थे, जबकि पूरी टूर्नामेंट में मैच कमिश्नर के फराइज जनाब उमर जान, वहीद उमर, नासिर समद और सफी यासिम ने निभाए। मेहमान खास रहमदिल बलोच ने सूबाई वजीर मीर असदुल्ला की जानिब से जल्द आल बलोचिस्तान सिंध फुटबॉल टूर्नामेंट के इनेकाद का ऐलान किया। आखिर में मेहमान खास और दीगर मेहमानान ने खिलाड़ियों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। मजीद दिलचस्प मालूमात और खबरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि मकरान समेत बलूचिस्तान की खबरों से जुड़े रहें।